24वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन फिल्म हीरालाल के कलाकार नंदन पहुंचे। फिल्म के बारे में बताते हुए फिल्म के निर्माता इंद्रजीत राय ने बताया कि भारतीय फिल्म के जन्मदाता दादा साहब फाल्के नहीं अपितु हीरालाल सेन हैं। उन्होंने बताया कि दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रसार में अभिन्न योगदान है, मगर उनका फिल्म की पटकथा और निर्देशन से कोई वास्ता नहीं था। एक्चुअली ये हीरालाल सेन जो है ये पहला इंसान है जो बंगाली फिल्म बनाया था, और इसका ये हीरालाल सेन जी का बारे में किसी को उतना नॉलेज नहीं है। दादा साहब फाल्के नहीं है, ये हीरालाल सेन ही इंसान है जो पहला बंगाली मूवी बनाया था। इसलिए हम लोग हीरालाल सेन का ये एक बायोपिक है तो हम लोग इसका अवेयरनेस के लिए चुना है, और ये सब्जेक्ट एकदम नया है। ये एक इश्यूज है जो बंगाली फिल्म का ये 100 साल है, तो 100 साल के लिए हीरालाल सेन का ये मूवी एक सेलिब्रेशन होगा, और ये एक बांग्ला सिनेमा का एक दलील है जहाँ पर ये इतिहास में भी होगा, हिस्ट्री में भी होगा। ये हीरालाल सेन का ये जो पिक्चर है ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन के रह जाएगा। वहीं फिल्म के निर्देशक अरुण राय ने बताया कि फिल्म में हीरालाल के चरित्र को दो हिस्सों में दर्शाया गया है। पहले हिस्से में उनके बचपन और दूसरे हिस्से में उनके फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन को दर्शाया गया है। इसके साथ ही फिल्म में 1870 से लेकर वर्ष 1920 के दौर के महानगर को प्रदर्शित किया गया है। बायोपिक ऑन हीरालाल सेन, ईच एंड एवरीबॉडी नोज दैट दादा भाई फाल्के इज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म। आई थिंक इट्स रॉन्ग, हीरालाल सेन इज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म। सो इफ यू वॉच दैट मूवी देन यू कैन नो हाउ ऑल दिस थिंग्स। ही नहीं है, जानते ही नहीं है कोई। ऐसे में रिसर्च प्रोसेस पे कितना समय लगा? बहुत टाइम लगा। एक ये स्क्रिप्ट के लिए विल स्पेंड 2 ईयर्स फॉर स्क्रिप्ट ओनली, देन नेक्स्ट 1 ईयर फॉर शूट। 3 साल का एक लंबी जर्नी है।